सत्या चरण तरी तो सत्या
कुर्सी मर्यादा देगी, शासन मर्यादा देगा और सत्याचरण नहीं तो जीवन मर्यादा देगा। जब तक जीवन के अंदर आचरण, जब तक जीवन के अंदर सत्य नहीं आएगा, जैसे ऋषिवर दयानंद जी समर्पित थे, जब तक हम समर्पित, जब वैसे समर्पण के भाव में ही होंगे तब तक हम ऋषिवर दयानंद जी के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक समय था जब वो प्रभाव होता था, महाशय मेला राम जी जो लाहौर के अंदर प्रचार और प्रसार किया करते थे, लाहौर का नवाब आया महाशय मेला राम जी के पास में और कहने लगे, मैंने आपके मुख से उर्दू सुनी है और मैं चाहता हूँ आप मेरी बेगम को उर्दू पढ़ाए। महाशय मेला राम जी कहते हैं, आपके पास में इतने सारे मौलवी हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते आपकी बेगम को, वो भी उर्दू पढ़ा देंगे, मैं तो एक आर्य समाजी हूँ, आप इनसे ही क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी बेगम को उर्दू पढ़ाऊं। लाहौर का नवाब कहता है, मैं चाहता हूं आप ही मेरी बेगम को उर्दू पढ़ाएं। 100 रुपए मासिक वेतन देने का वहां पर निर्णय लिया गया और जब 1 महीना पूरा हुआ तो लाहौर का नवाब महाशय मेलाराम जी को 200 रुपए निकाल करके देते हैं। महाशय मेलाराम जी कहते, 200 रुपए किस नाम के, बात तो 100 रुपए की हुई थी। लाहौर का नवाब कहता है, आप नहीं जानते मैं जानता हूँ, आज तो ये 100 रुपए सुनने में ऐसे लग रहा होगा जैसे क्या बड़ी बात है, लेकिन उस समय के 100 रुपए बहुत अधिक होते थे। आज तो 100 रुपए के बच्चे कुरकुरे चिप्स खा जाते हैं एक दिन में, पता नहीं चलता, लेकिन उस समय के 100 रुपए की वैल्यू थी, कीमत थी। महाशय मेलाराम जी कहते हैं, बात 100 रुपए की हुई थी, ये 200 रुपए किस लिए। तो लाहौर का नवाब कहता है, आप नहीं जानते आप मेरी बेगम को उर्दू पढ़ाते हैं और मेरी बेगम जो इतनी सुंदर है कि जब वो गली से गुजरती है, घर से निकलती है, तो गली के लोग उन्हें तब तक देखते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती, तरसते रहते हैं कि कब मेरी बेगम बाहर निकले और सब लोग उन्हें देख के निहारे। लेकिन तुम्हारी नजर केवल और केवल किताब के अंदर गड़ी रहती थी, मैं ऊपर खिड़की में से देखा करता था, तुमने एक बार भी नजर उठाकर के मेरी बेगम को देखा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस संस्था को प्रचारित करने वाले प्रचारक का चरित्र इतना ऊंचा है, उस संस्था को संस्थापित करने वाले महर्षि दयानंद का चरित्र कितना ऊंचा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। वहां पर महाशय मेलाराम जी ने ना तो ऋषिवर दयानंद जी का कोई जीवन चरित्र सुनाया है, ना महर्षि दयानंद का कोई गीत सुनाया है, ना कोई वहां पर वेद मंत्र बोला गया है। वहां पर यदि कुछ बोला है तो केवल और केवल महाशय मेलाराम जी का आचरण और महाशय मेलाराम जी का जीवन बोला, जिन्होंने ऋषिवर दयानंद जी के जीवन को बता दिया। यदि आज ये वर्तमान समय में हो जाए तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वैसे ही लोग कहने पर मजबूर हो जाएं कि वो महर्षि दयानंद कैसे होंगे। और उसके आगे महर्षि मेलाराम जी जो कहते हैं कि तुमने एक आर्य के चरित्र पर शक किया है, मैं आगे से तुम्हारी बेगम को उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा, तुमने मेरे चरित्र पर शक किया है। एक समय था जब आर्यों की गवाही यदि अदालत के अंदर दे दी जाती थी तो जज आगे कुछ बोलता नहीं था, अपना फैसला सुना दिया जाता था। कभी इतना आचरण, इतनी पवित्रता हमारे जीवन के अंदर हुआ करती थी। तो मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ कि हम ऐसे ही संकल्पबद्ध होकर के चले जैसे महाशय मेलाराम जी का जीवन बोला, जैसे ऋषिवर दयानंद जी का जीवन बोलता था कि ऋषिवर दयानंद जी का अंतिम दिन है, दिवाली का दिन है।